नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गाय जो होती है उसमें नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य की किरणों से रक्त में स्वर्णाक्षर बनाती है। यही स्वर्णाक्षर गाय के दूध में विद्यमान होता है, जो मनुष्य के लिए अमृत के समान है। इन्हीं स्वर्णाक्षर के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता की पूजा करने से मनुष्य को कौन कौन से फल मिलते हैं, साथ ही घर में वास्तु दोष नष्ट करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है, और जो भी जातक नित्य गाय की पूजा करता है उस पर सभी देवी देवता की कृपा बरसती है। जो भी गाय की सेवा करता है उन्हें माता के समान मानता है। गौ माता उस पर आने वाले सभी कष्ट सभी विपदाओं को हर लेती है। गौ माता कामधेनु है, समस्त प्रकार के दुख हरने वाली है और जातक की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। कहा जाता है कि सूर्य अस्त के पश्चात जब गाय वापस घर आकर लौटती है तो उसके खुरों से जो धूल उड़ती है उससे मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। अगर व्यक्ति क्रोधी है, पढ़ाई में कमजोर है, बोलने में असमर्थ है, तो उस व्यक्ति को गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। इससे बुध ग्रह की दशा भी ठीक हो जाती है और सभी दिक्कतें दूर होने लगती हैं। दोस्तों, गाय का दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। अगर मंगल की दशा खराब हो तो किसी भी गरीब ब्राह्मण को अथवा गरीब व्यक्ति को गाय दान अवश्य करें। अगर नव ग्रहों की शांति शनि की दशा ठीक करनी है तो काली गाय का दान अवश्य करें। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और शनि देव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर कोई कार्य रुका हुआ है, कितने भी प्रयास करने पर उसमें सफलता नहीं मिलती, तो मनुष्य को गौ माता को रोटी खिलाकर उनके कान में अपनी मनोकामना अवश्य कहनी चाहिए। गाय की नियमित पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है। दोस्तों, गर्मियों के दिनों में द्वार पर आई गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। सर्दियों के दिनों में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं, लेकिन गर्मियों के दिनों में गुड़ ना खिलाएं। अगर बच्चे कहना नहीं मानते, कहने से बाहर हैं, उनका स्वभाव क्रोधी है और बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, तो दोस्तों किसी दिन द्वार पर आई गौ माता को उनके हाथ से लगाकर भोजन अवश्य खिलाएं। घर बनवाने से पहले उस जमीन पर अगर गौ माता और उसके बछड़े को बांधते हैं तो इससे भी सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, क्योंकि जिस स्थान पर गौ माता बैठकर आराम करती हैं वहां पर कोई भी बाधा और बुरी शक्ति नहीं आती। ध्यान रहे, घर पर बनी सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए बनाए और गौ माता को अवश्य खिलाएं। इससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और कलेश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, गौ माता के गोबर से बने उपलों से रोजाना दुकान मंदिर परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और व्यापार में वृद्धि होती है। साथ ही ग्राहकों की संख्या भी बढ़ जाती है। अगर आपके घर के द्वार पर रोजाना गौ माता आती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। दोस्तों, ये आपके जीवन में अच्छा समय आने का संकेत है, क्योंकि गौ माता ऐसे घर पर जाती हैं जिस घर में पवित्र शुद्ध और अच्छे लोग निवास करते हैं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधे। गाय के गले में बंधी हुई घंटी बजने से गौ माता की आरती होती है और इससे 33 कोटि देवी देवताओं की आरती का फल आपको मिलता है। गौ माता के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास है और माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाए जाते हैं जो सभी रोगों का नाश करने वाला है, इसलिए गौ माता के दूध का सेवन अवश्य करें। तन मन धन से जो मनुष्य गौ माता की सेवा करता है तथा मृत्यु के पश्चात आदरणीय गौ माता की पूंछ पकड़कर नरक को भी पार कर जाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उन्हें गोधाम वास में स्थान मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है तो वो व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता अगर जीभ से हथेली पर रखे हुए गुड़ को चाटती है तो इससे व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। दोस्तों, गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है, उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी पाई जाती है। रोजाना सुबह गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही आज हम जानते हैं कि गाय को रोटी खिलाने से क्या लाभ होता है और किस तरह खिलानी चाहिए, और साथ ही जानते हैं कि कौन से दिन क्या खिलाना चाहिए।
तो दोस्तों अगर आप गाय को रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ भी खिलाते हैं तो बड़ा ही पुण्य लाभ मिलता है। पर एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप गाय को गुड़ खिलाएं तो गाय हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए, खड़ी गाय को कभी भी गुड़ नहीं खिलाया जाता। दोस्तों खासकर सोमवार के दिन शिव जी की पूजा के बाद गाय को भोग लगाएं, कुछ ना कुछ सफ़ेद चीज जरूर खिलानी चाहिए, जैसे बर्फी, चावल, सफ़ेद लड्डू वगैरह जरूर खिलाएं। इसके कई पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और सोमवार का व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। दोस्तों मंगलवार को गाय को रोटी के साथ बेसन के लड्डू खिलाने से संपूर्ण लाभ होता है, इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है। और वहीं बुधवार को हरा चारा यानी कि दूर्वा घास खिलाने से बुध ग्रह शांत हो जाता है, इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। ऐसे में गुरुवार को जब भी आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो थोड़ी सी आप हल्दी मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को दो रोटी खिला दें, इससे भी बहुत ही पुण्य लाभ होता है। आपके जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की आपको प्राप्ति हो जाती है। शुक्रवार के दिन गाय को खीर खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है, देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिसके कारण व्यक्ति माला माल हो जाता है, माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती हैं। दोस्तों माना जाता है कि शनिवार के दिन गाय को काले तिल और उड़द पीसकर गेहूं के आटे में डालकर रोटी बनाकर खिलाने से शनि दोष शांत हो जाता है। दोस्तों वहीं हर रविवार को रोटी के साथ गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने से सूर्य की महादशा ठीक हो जाती है, व्यक्ति निश्चित तौर पर धनी बन जाता है। अगर आपने भी गाय को रोटी खिलाई है तो समझो आपने 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा की है और आपको इसका लाभ बहुत ही जल्द मिलने वाला है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि आप गाय की सेवा सिर्फ मजबूरी में ना करें, बल्कि माता की पूजा व सेवा पूरे दिल से करें। दरअसल इस पर बहुत ही प्रचलित कथा भी है। दोस्तों गाय ने केला देखकर मुंह मोड़ लिया। महिला ने गाय के सामने जाकर फिर से उसके आगे मुंह में केला देना चाहा, लेकिन गाय ने केला नहीं खाया। पर महिला केला खिलाने के लिए पीछे ही पड़ी थी। जब महिला नहीं मानी तो गाय ने सींग मारने शुरू किए। महिला डर कर बिना केला खिलाए चली गई। महिला के जाने के बाद पास खड़े सांड ने पूछा, वो इतने प्यार से केला खिला रही थी, आपने केला क्यों नहीं खाया और उसे डराकर भगा भी दिया। गाय बोली, प्यार नहीं मजबूरी, आज एकादशी है, महिला मुझे केला खिलाकर पुण्य कमाना चाहती है, वैसे ये मुझे कभी नहीं पूछती, गलती से उसके मकान के आगे चली भी जाती हूँ तो डंडा लेकर मारने को दौड़ती है, प्रेम से सूखी रोटी भी मिल जाए तो अमृत तुल्य है, जो केवल अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वो श्री कृष्ण है। प्रतिदिन सभी सनातनी बंधु अपने घर से पहली रोटी गो माता को खिलाएं, पुण्य मिलेगा। धरती पर मौजूद किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को भोजन और पानी देना बहुत ही पुण्य का काम होता है, तो ये पुण्य आप जरूर कमाइए, क्योंकि दोस्तों ये चीजें बहुत आसान है, आप कर भी सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिससे आप गौ माता को प्रसन्न करके जीवन में सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में आके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय गौ माता, जय माता दी।